चाइना के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन और अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैकमा को छुप कर रहना पड़ रहा है और इसका रीजन बनी है चाइनीज गवर्नमेंट। पर जैकमा ने ऐसा क्या कर दिया? एक्चुअली अक्टूबर 2020 में जैकमा ने अपनी एक पब्लिक स्पीच में चाइनीज गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने कहा कि चाइनीज बैंक्स पॉन शॉप मेंटेलिटी पर काम करती है, यानी कि वो किसी को भी बिना कोलैटरल के लोन नहीं देती और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद से ही चाइनीज गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई और उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। नवंबर 2020 में उनकी फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली थी, बट गवर्नमेंट ने उसके आईपीओ को सस्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट ने अलीबाबा ग्रुप ने एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया और फिर अप्रैल 2021 में अलीबाबा ग्रुप पर मार्केट में एक मोनोपोली की तरह बिहेव करने के लिए $2.8 बिलियन का फाइन लगा दिया। इसके बाद से जैकमा की वेल्थ काफी गिर गई और वो पब्लिकली बहुत ही कम दिखे। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैकमा पिछले 6 महीनों से टोक्यो में रह रहे। वैसे आपको चाइनीज गवर्नमेंट के इस बिहेवियर के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और बिजनेस वीडियोस के लिए लॉजीबीज को सब्सक्राइब करें।